गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हमने कल फिजिक्स पर, चलिए आ रही परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो फिजिक्स पर हमने चर्चा करते करते कल हमने कूलाम का नियम समझ लिया था। कूलाम के नियम से संबंधित उसके अंदर कुछ टर्म, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता जिसे कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनकी विमा मात्रक और मूल मात्रक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आपको ये समझाएंगे कि न्यूटन कूलाम का नियम किस तरह न्यूटन गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इसे आज आपको प्रूफ भी कर दिखाएंगे। आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम न्यूटन गति के तृतीय नियम का पालन कैसे करता है, इसे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। इसी तरह जिस तरह बोर्ड पर लिखा जाएगा, इसी तरह कॉपी में नोट्स बनाकर चलना है, वो अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं कूलाम का नियम हमने कल समझा था। कूलाम का नियम तो कूलाम के नियम पर आ रही परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कूलाम के नियम हमने ये जाना कि दो आवेश, ये रहे दो आवेश Q1 इंटू Q2। जब दो आवेश, हमने देखा कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को हम कूलाम बल या कूलाम फोर्स कहते हैं। उसका जो हमने कल, अगर इनके मध्य दूरी आर हो, कल हमने ये जाना उसका सूत्र एफ बराबर के, या ऐसे भी कह सकते हैं 9 गुना 10 घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। कल हमने इस फॉर्मूले को देखा बहुत अच्छे तरीके से, F बराबर Q1 9 गुना 10 घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। इस फॉर्मूले से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। अब आज हम ये जानेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप लिखने की कूलाम के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही पेपर में आएगा। जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ वो लिखते जाइए। F बराबर 9 गुना 10 घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। दोनों आवेश आपको पता हो, बिंदुवत आवेश यहाँ रख देंगे और इनके बीच की दूरी आर वो पता हो यहाँ रख देंगे, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा होती है, बल इन दोनों के मध्य नहीं लगता, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया जाता है। तो ये जानते हैं कि बल किसके द्वारा कौन से आवेश पर लगाया जाता है। बल कभी भी इन दोनों के मध्य नहीं होता, मध्य होता है लेकिन एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया जाता है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया जाता है, या दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर बल लगाया जाता है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, एफ पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया गया। इसे पढ़ते हैं 2-1, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया गया। F21 बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। Q1 इंटू Q2 अपॉन R2, इसे मानिए समीकरण एक। दूसरा आवेश भी पहले वाले आवेश पर बल लगाता है। पहला आवेश जब दूसरे आवेश पर बल लगाता है, तो आप इसे लिखते हैं F21। आप इसके पर वेक्टर लगाइएगा। वेक्टर लगाने का यह मतलब है कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है, यानी पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल है, उसकी दिशा इधर है। इसी कारण जितना बल पहले आवेश ने दूसरे आवेश पर लगाया उतना ही बल विपरीत दिशा में दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया। पहले वाले आवेश पर लगाया गया तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, F12 दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। इसके पर वैक्टर लगाइए, क्योंकि वैक्टर एक सदिश राशि है जो दिशा को इंगित करता है, दिशा को चिन्हित करता है। ये दिशा बताता है कि दूसरे आवेश के द्वारा पहले वाले आवेश पर बल लगाया गया। 9 गुना, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, उल्टी दिशा में बल लगाएगा तो आप इसके सामने माइनस आ जाएगा, 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आ जाएगा आपका R2। यह आ जाएगा समीकरण 2। आपको पता होना चाहिए जहां 9 गुना 10 की घात 9, जहां ये पोर्शन दिख जाए ये लिख सकते हैं, जहां ऐसा पोर्शन दिख जाए, ऐसा टर्म दिख जाए ये लिख सकते हैं। आप ये देखिए ना, इधर ये वाला पोर्शन देखिए, इसकी जगह ये लिख देंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जैसा बोर्ड पर लिखा गया है, ऐसा हूबहू अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए। उसके बाद जब दोस्त 10 वीडियो देख चुके होंगे, 10 वीडियो देखने के पश्चात तब बताइएगा फिजिक्स आपके समझ में आया कि नहीं आया। समीकरण एक व दो से जब समीकरण एक व दो से F21 बराबर माइनस, आप यहाँ लिख देखिए F12 ये रहा सेम, बराबर ये रहा माइनस, ये रहा आपका ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला समीकरण दो में देखिए, इसकी जगह लिख सकते हैं F21। समझे? तो यानी पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर जितना बल लगाया गया, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर उतना ही बल लगाया, लेकिन विपरीत दिशा में। आपको पता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कूलाम बल, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो आपको हमने जो बताया अभी बोलकर, उसे आप हूबहू कॉपी में नोट करिएगा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है इन उपरोक्त से या इस तथ्य से कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है।
समझे। चलिए अब आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आप स्किप करके इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। उसके बाद कॉपी में हेडिंग बनाइए, गुलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कूलम्स लॉ। इंग्लिश में भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कूलम्स लॉ। इंग्लिश में लिखेंगे साथ साथ इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्ब के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये कुछ फैक्ट्स से जो आपको पता होने चाहिए। कूलम्ब के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पर्सन किस तरह आएगा वो सब बताया जाएगा। जैसे लिखवाया जाए पहले वैसे लिखिए। नंबर फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए जो कूलम्ब का बल होता है वो एक नाभिक के बल नहीं है, यह एक केंद्रीय बल है। कूलम्ब का बल एक केंद्रीय बल है, पहले तथ्य में लिखिए, आगे बाद आपसे पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछेगा चार ऑप्शन में, जब आप बीटेक का जेईई मेंस का पेपर देंगे उसमें सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कूलम्ब बल है, निम्नलिखित में से कूलम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल, नाभिकीय बल, अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल। तो आप याद रखिए कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है कैसे, चर्चाएं करेंगे, रुकिए एक मिनट। जैसे लिखवाया जाए ऐसे लिखिए, केंद्रीय बल। तो कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है, आप पहले पॉइंट में लिखिए, कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है, कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है। दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि कूलम्ब का जो नियम होगा, कूलम्ब का नियम या कूलम्ब का नियम 10^-15 meters से अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कूलम्ब का नियम 10^-15 meters से, जब दो आवेशों के बीच की दूरी Q1 और Q2, ये रहे आपके दो आवेश, इनके मध्य जो दूरी है अगर वो 10^-15 meters से अधिक हो तब वहाँ कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। समझे, कूलम्ब का नियम 10^-15 meters से अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ये कुछ फैक्ट्स आपको नोट कर देने, जिस तरह नोट्स बनवाए गए हैं हूबहू इसी तरह नोट्स बनाइए। और नंबर तीन और क्या जानते हैं आप इसके बारे में, आप देखिए f बराबर, इस फॉर्मूले को देखिए, f बराबर k q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपने कल पढ़ा था, ये कूलम्ब का बल है। आपने ये भी जाना होगा कूलम्ब का बल, अगर हम आप इसे देखिए, ये लगभग इसके बराबर दिखाइए, लगभग का साइन है एप्रोक्स का, ये लगभग का, दो s बने इसके नीचे लाइन खींच देगा, इसे बोलते हैं लगभग एप्रोक्स, ये ना इसके समतुल्य होता है। ये आपका कूलम्ब बल है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप देखिए ना, बिल्कुल आप देखिए इस वाले फॉर्मूले को देखिए, बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। आप ऐसे कह सकते हैं कूलम्ब बल, अभी कूलम्ब बल गुरुत्व बल के समतुल्य होता है, कूलम्ब बल गुरुत्व बल के समतुल्य होता है, इसलिए हमने लगभग का चिन्ह बनाया है। कूलम्ब बल गुरुत्व बल के समतुल्य होता है, आप कहीं जगह देखेंगे भी कूलम्ब बल को गुरुत्व बल के बराबर ही पाएंगे, कूलम्ब बल गुरुत्व बल के बराबर होता है। ये गुरुत्व बल क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को ऊपर से डालते हैं तो ये वस्तु नीचे चली आती है। आपको पता है कि पृथ्वी के द्वारा इस पर एक बल लगाया जाता है, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जो गुरुत्व बल होता है वही गुरुत्व बल कूलम्ब बल के बराबर होता है, यहाँ इस फैक्ट में यही बताया गया है। आपको तीन फैक्ट याद रखने, तीन के बाद जो चौथे नंबर का आपको फैक्ट दिखाई देगा, चौथे नंबर का जो फैक्ट दिखाई देगा आपको, चलिए जानते हैं। अब एक न्यूमेरिकल पर आते हैं। आप न्यूमेरिकल देखिए बोर्ड पर, आप न्यूमेरिकल की थ्योरी नहीं लिखनी है, न्यूमेरिकल हम समझाएंगे, थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी आप खुद बनाएंगे, हम आपको बोर्ड को बताएंगे ये थ्योरी कैसे बनती है। समझे, आप देखिए कि कूलम्ब के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उन पर चर्चा करते हैं, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये थोड़ा सा नहीं चल रहा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर एक देखिए आज का क्वेश्चन नंबर एक,
क्वेश्चन नंबर एक देखिए, बोर्ड पर देखिए, पहले समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लिखिएगा। न्यूमेरिकल लिखना नहीं, आपको समझना है, इसलिए आपको समझा दें, लिखना बाद में, पहले समझिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये आपके सामने दो आवेश रहे, एक आवेश Q1, एक रहा आवेश Q2। दो आवेश ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां दो आवेश उपस्थित हो पूरी फिजिक्स में, उनके मध्य दो आवेश या दो पार्टिकल हो या दो बॉडी हो, उन पर चार्ज हो, उनके मध्य हमेशा एक बल लगेगा, चाहे तो वे रिपेल हो सकते हैं, चाहे वे अट्रैक्ट हो सकते हैं, चाहे वे दूर जा सकते हैं, चाहे वे पास आ सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक वेंडिस के द्वारा बताई गई थी। गुलाम ने इसे अपने तथ्यों के आधार पर समझाया, समझे। तो आप जानते हैं कि अगर इनके मध्य आपको दूरी पता हो, न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपको, इनके मध्य दूरी पता हो, तो इनके मध्य लगने वाला इन दोनों आवेशों का मान पता हो, तो इनके बीच की दूरी पता हो, और इनके बीच की दूरी पता हो, इन दोनों आवेशों का मान पता हो, तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। आवेश आवेश लिखिए, पहला आवेश दिया गया है Q1 बराबर -K1.6 इंटू 10^-19 कूलम, 19 कूलम। Q2 बराबर 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। इनके बीच की दूरी है 0.50 मीटर। न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरह होगी, उस न्यूमेरिक उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसे ध्यान से देखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार निकालिएगा। जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, वैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपका हाथ क्लीन होता चला जाएगा, क्लीन होता जाएगा। Q1 Q2 ये रही दूरी, आपको इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी 0.50 मीटर, मीटर मतलब दूरी। ये कूलाम मतलब आवेश, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू पता करना है इन दोनों आवेशों के मध्य। आप ना इसे इलेक्ट्रॉन, इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, अगर आप न्यूमेरिकल लिखना चाहे, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -K1.6×10^-19 कूलम का आवेश होता है, तथा एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6+K 1.6×10^-19 कूलम का आवेश होता है। आप इसे न्यूमेरिकल को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जब उनके बीच की दूरी 0.50 मीटर हो। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जब उनके बीच की दूरी 0.50 मीटर हो। 50 मीटर ना सेंटीमीटर में भी दे सकता था, घबराना नहीं, हर प्रकार का न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, कोई भी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स को मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना मैं समझाऊंगा इतने न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, समझे। हर प्रकार का न्यूमेरिकल मैं कराने की कोशिश करूंगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -K1.6×10^-19, प्रोटॉन पर सेम बस प्लस का, समझे। आइए जानते हैं, यहाँ लिखिए वी नो दैट, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं पहले ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -K1.6×10^-19 कूलम का चार्ज। चलिए एक प्रोटॉन पर भी आवेश कितना है, यही है, लेकिन है यही है प्लस का आवेश, इसलिए हमने सेम लिख दिया। ये रही आपकी Q1 की वैल्यू, ये रही आपकी Q2 की वैल्यू, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद दूरी R का मान बताइए कितना है, 0.50 मीटर दूरी है इसके बीच की, 0.50 मीटर। आपको पता करना है सूत्र लिखिए F बराबर 9×10^9 Q1 × Q2/R2 Q1 × Q2/R2 F बराबर 9×10^9 Q1 की वैल्यू आपकी -K1.6×10^-19 कूलम। उसके बाद बताइए आपकी Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है प्लस के 1.6×10^-19 कूलम। उसके बाद आप बताइए R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है आपकी 0.50 मीटर। आप इसकी कैलकुलेशन देखिए किस तरह करनी होगी, 0.50 मीटर। मैं कैलकुलेशन इधर साइड में कर रहा हूँ, इधर देखिए सब बच्चे कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। F बराबर कैलकुलेशन देखिए किस तरह होगी, कैलकुलेशन इसी तरह करके देखनी होगी। आपके पास बुक हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में से न्यूमेरिकल देखिए, गुलाम के नियम से संबंधित वहाँ लिखा हुआ होता है। जब आप चैप्टर खोलेंगे, पहले चैप्टर के अंत में आपको लास्ट में न्यूमेरिकल यानी अंकिक पर्सन के मान दिखाई देंगे, वहाँ साफ साफ लिखा होता है गुलाम के नियम से संबंधित अंकिक पर्सन, गुलाम के नियम से संबंधित अंकिक पर्सन। छाट छाट कर अपने नोट्स में मेंशन कीजिए, एक एक न्यूमेरिकल निकालिए, जो न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया हो आपको अच्छा लगता है अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। आप अपने नोट्स का विस्तार जितना करते जाएंगे, आपका ज्ञान इतना ही विस्तारित होता जाएगा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। F बराबर
एफ बराबर 9 × 10⁻¹ 9, 9 × 10⁻¹ 9 इंटू, आप देखिए ना इसे कैसे कैसे करते हैं, 16 की 16 में गुना करेंगे। आप इसके सामने माइनस लगाइए, सबके सामने ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये एक सामने आ जाएगा, सीधा माइनस सामने आ जाएगा, माइनस 9 × 10⁻¹ 9, उसके बाद 16 की 16 में गुना करेंगे 256, यानी 2.56 इंटू 10, और 10 को आपको एक बार लिख देना है, जैसे 10 10 को एक बार लिख देंगे तो इनकी घात जुड़ जाती है, 19 19 38 हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि गुना में घात जुड़ती है अगर घात सेम हो, नीचे सेम हो तो। 0.50 को कैसे करना है आपको, देखिए कैसे करना है, पॉइंट के नीचे एक लगाएंगे, आगे जितनी अंक इतनी जीरो, ये कैंसिल होगा जाएगा आपका, 5 ही कम 5 और 5 × 2 = 10, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, जैसे गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, एफ बराबर 9 की 9 चौक 36, आप इसमें ना इसमें गुना कीजिए, 2.56 में गुना कीजिए इसकी, माइनस 9 गुना 2.56 आपको पता है ऊपर गुना में चले जाएगा, गुना 4 × 38, 10 10 एक बार लिख देंगे, 38 में से 9 घटाएंगे आपका आ जाएगा 28, इसके इसमें गुना करिए ना, एफ बराबर 4 की इसमें गुना कर 9 सेम लिखेंगे, 4 × 6 = 24 का 4 का, और 4 × 5 = 20, 20 और 2 = 22, 22 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, ये आपका 10 आ जाएगा, यानी 10.56 10.24 × 10⁻²⁸ 28, 10⁻²⁸ 28, एफ बराबर, ये रहा आपका एफ बराबर, 9 की इसमें गुना करेंगे, 9 चौक 36 का 6 का, 9 × 2 = 18, 18 × 3, 18 × 3 कितना होगा 21, हासिल 2, ये आ जाएगा 21 आपका, 9 9 = 9 है ना, चलिए कितना होगा, −92.16 × 10⁸ −28, बल निकाला है तो न्यूटन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटॉन, इसका मतलब ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी जो बल लग रहा होगा वो विपरीत दिशा में लग रहा होगा, इनके जो बीच जो बल होगा ना ये दूर नहीं ये पास आ रहे होंगे, ये माइनस यह इंगित करता है, इनके बीच लगने वाला बल के सामने जो माइनस आया वो हमें यह बताता है कि ये दो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। आपको पता है एक तरफ निगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो तो वे हमेशा पास आते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हमने आपको बताया न्यूमेरिकल में क्या लिखना है, न्यूमेरिकल खुद आपकी दिल की आवाज़ से निकलते हैं, इसीलिए जब आपको न्यूमेरिकल समझा दिया गया तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जब आप बुक यूज़ करेंगे उसमें इस तरह के प्रश्न लिखे हुए आएंगे, समझे, नोट कीजिए जो आपको न्यूमेरिकल कराया गया है उसे नोट कीजिए। नोट कीजिए, जैसे ही आप नोट करेंगे उम्मीद करूँगा आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझने से पहले आज आपको ये जानना जरूरी है कि आवेश के छोटे मात्रक क्या होते हैं, क्योंकि बार बार आपको हमने कहा आपको 5 μC को कूलम में बदलना है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इससे पहले बेहतर होगा न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, न्यूमेरिकल जो आपका न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन होते हैं सवाल होते हैं प्रश्न होते हैं उसे हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बेहतर होगा उसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ। तो मैं आप कुछ थोड़ी देर पहले कुछ नोट बनवाता हूँ, नोट डाली काफ़ी में नोट नंबर वन में आप लिखिए आवेश के छोटे मात्रक स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। ये हमने आपको पहले ही बताया था, आज आपको अच्छी तरह बताएंगे। एक मिली कूलम, जब भी आज के बाद आपसे पूछा जाए एक मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं, एक मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं, आप बताएंगे 10⁻³ कूलम। एक मिली कूलम में 10⁻³ कूलम, तो दो में कितने होंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 10 × 2 = 20, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, आप इसे ऐसे लिखिए, अगर हमने कहा आपको कि 20 मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं, तो आप कहेंगे 20 × 10⁻³ कूलम। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक आपसे पूछा जाए एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, तो 10⁻⁶ कूलम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, तो आप माइक्रो जहाँ भी मिली दिख जाए तो 3, जहाँ पर भी माइक्रो दिख जाए तो 6, जहाँ पर भी
नंबर तीन जहाँ पर दिख जाए आपको नैनो कूलम, नैनो कूलम तो आप नो, नैनो का मतलब हमेशा नो, नैनो का मतलब नो। जहाँ आपको दिख जाए चौथे नंबर पर आप लिखिए एक पीको कूलम, एक पीको कूलम, जहाँ पीको दिख जाए वहाँ 10^-12 कूलम। जहाँ पाँचवें नंबर एक दिख जाए फर्मी, फर्मी कूलम, तो फर्मी कूलम में 10^-15 कूलम, फर्मी कूलम बराबर एक फर्मी कूलम बराबर 10^-15 कूलम, समझे। तो एक माइक्रो कूलम बराबर 10^-3 कूलम, एक माइक्रो कूलम बराबर 10^-6 कूलम, एक नैनो कूलम बराबर 10^-9 कूलम, एक पीको कूलम बराबर 10^-12 कूलम, एक फर्मी कूलम बराबर 10^-15 कूलम। जैसे हमने कहा कि आपको 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है, कहीं लिखा हुआ है कि एक बिंदु आवेश 10 माइक्रो कूलम है, 10 माइक्रो कूलम कहा या नहीं कहा, लिखा हुआ है तो बदलना होगा, उसकी एसआई यूनिट में लेकर आना होगा। जो कूलम की एसआई यूनिट होती है, यानी आवेश की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, उसके अंदर लेकर आना होगा कहा या नहीं कहा। कहीं लिखा हुआ है 20 मिली कूलम, तो मिली कूलम को कहे या ना कहे न्यूमेरिकल को बदलना ही होगा, समझिए। तो 10 हमने कहा कि 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलिए, तो 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए आपको 10 गुना, आपको पता है एक माइक्रो कूलम ये रहा आपका एक माइक्रो कूलम, जहाँ कुछ नहीं होता गुना का चिन्ह होता है। एक माइक्रो कूलम किसके बराबर है, एक माइक्रो कूलम 10^-6 कूलम के बराबर है। आप यहाँ लिख देंगे 10^-6 कूलम, तो ये कूलम में बदल जाएगा। आपको पता है 10 एक बार लिख देंगे, 6 में से एक घट जाएगा तो आपका जाएगा -5 कूलम, समझे। यानी 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए उसकी घात कम होगी कि 10^-5 कूलम, समझे। हमने कहा आपको आपको बदलना है कि 2.6×10^-3 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है, 2.6×10^-3 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आपको क्या करना होगा, एक माइक्रो कूलम की जगह 10^-6 लिख देना होगा, क्योंकि एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10^-6 कूलम के। आप देखिए 2.6×10^-3 गुना एक माइक्रो कूलम, जहाँ कुछ नहीं होता एक बीच में गुना का चिन्ह होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर 10^-6 कूलम के बराबर होता है। तो 2.6×10^10 आपका एक बार लिख देंगे, 6 में 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कूलम। तो 2.6×10^-9 कूलम का आवेश, 2.6×10^-9 कूलम का आवेश, 10 माइक्रो कूलम बराबर 2.6×10^-9 कूलम का आवेश होता है। चलिए, तो भी चाहे आपको मिली कूलम में बदलना हो, मिली कूलम को कूलम में बदलना हो तो आपको 10^-3 से गुणा करनी होगी। अगर नैनो कूलम में बदलना हो तो 10^-9 से गुणा करनी होगी। अगर आपको पीको कूलम में बदलना हो तो पीको कूलम में बदलने के लिए आपको 10^-12 गुना से गुणा करनी होगी। लेकिन ज़्यादा आवश्यकता जिसकी पड़ने वाली है, मिली कूलम की और माइक्रो कूलम की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, जो हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं या न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे या आए हुए हैं, समझिए, उनके आधार पर आपको बता रहे हैं। पिछले पेपरों की जो पृष्ठभूमि के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं और किस तरह आपको पढ़ना चाहिए। हूबहू इस तरह नोट्स पढ़ने होंगे, हमारे नोट्स दूर दूर तक जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर इन्हीं पढ़ के टॉपर बनते हैं, समझे। नोट कीजिए आवेश के छोटे मात्रक देखे आपने, जब आपने आवेश के छोटे मात्रक देख ही लिए हैं तो आइए एक काम करते हैं आपके समक्ष एक न्यूमेरिकल लगते हैं, इस न्यूमेरिकल को घर से कीजिएगा, समझे। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, केवल दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, बहुत ही आसान प्रश्न आज का, केवल दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, प्रश्न नंबर दो, न्यूमेरिकल नंबर दो, प्रश्न नंबर दो लिखिए, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जब उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो। ये रहे दो इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होना चाहिए, इनके बीच की दूरी पता कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो याद रखिए 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है। जिस तरह मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं ना, इस तरह एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल देते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर, यानी आर का मान 1 एंगस्ट्रॉम नहीं 10^-10 मीटर रखना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप जानते हैं, 1.6×10^-19 कूलम का आवेश, तथा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6×10^-19 कूलम का आवेश होता है। उसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले बल की, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जब उनके बीच की दूरी एक नैनोमीटर हो। तो आपको पता होना चाहिए एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-9 मीटर। नैनो का जहाँ भी नाम आ जाए तो आप इसे हल कीजिएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ आर का मान 10^-9 मीटर रख के चलना है, 10^-9 मीटर। कितने पर्सन हुए, 3 न्यूमेरिकल, आज के 3 न्यूमेरिकल हो गए आपने खुद गढ़ने। प्रोटोन पर आवेश आप जानते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटोन पर भी आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलम का, प्रोटोन पर भी आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलम का आवेश। आप ही हल करिएगा, आइए मैं इनके अंतर भी लिख देता हूँ। जो आपका पहले वाला पर्सन है ना, उसका अंतर आपका आएगा एफ बराबर 23.04 10^-9 न्यूटन
इस तरह इसका अंतर आएगा। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ना, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, ये वाला पर्सन मैंने अपनी तरफ से दिया है तीसरे नंबर का। आइए चौथे नंबर का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चौथे नंबर का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पर्सन नंबर चार, आज का पर्सन नंबर चार लिखिए, पर्सन नंबर चार लिखिए, पर्सन नंबर चार को आपको हल करना होगा। सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप करेंगे इनका आंसर देने के पश्चात, देखते हैं आप कितना न्यूमेरिकल सही कर पाते हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इनका आंसर सही करने की कोशिश करेंगे, हम आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइएगा नीचे। पर्सन नंबर चार, पर्सन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार लिखिए, क्वेश्चन नंबर चार, न्यूमेरिकल हल करने, जितने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जितने पर्सन सोल्व करेंगे, अगर आपके पास बुक है, अगर आप उसे खोलकर नहीं देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तब तक आप, जब तक आप खुद अपने हाथ, अपने आंखों से खुद पर्सन नहीं देखेंगे, तब तक आपको पेपर की प्रकृति समझ में नहीं आएंगी। जब तक पेपर की प्रकृति समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप पूरी तरह स्टेबल नहीं हो सकते, आप इस नोट्स पर आंख मीच कर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ करना चाहिए, लेकिन कर नहीं सकते, आपको खुद देखना होगा कि पर्सन की प्रकृति कैसी है कैसी नहीं। एक इंसान पर आप इतना विश्वास नहीं कर सकते, समझे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। इसलिए बेहतर होगा आप पिछले साल के जो फिजिक्स होगा, फिजिक्स के साइड में मॉडल पेपर रखिए, आपको दिखना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इस तरह के पर्सन हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कहीं आप जो पढ़ रहे हैं वो फिजूल तो नहीं है, समझे। पर्सन नंबर चार, दो प्रोटोनों के मध्य पर्सन नंबर चार लिखिए, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले बल की, लगने वाले बल की, आप बताइए प्रोटॉन के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल की प्रतिकर्षण बल पता होना चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप न्यूमेरिकल भी ऐसा ही बनाया जा सकता है, कभी भी ये नहीं कह सकता कि दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की गणना कीजिए, आकर्षण बल लग ही नहीं सकता, उसका अंतर जीरो होगा। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 4×10^-15 मीटर हो, 4×10^-15 मीटर हो, इसका सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा कितना होगा। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कितना आया था, व्हाट्सअप कर देंगे आप मेरे को, जैसे ही व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं चेक करूंगा आपका आंसर कितना आया होगा। पता नहीं आपका आंसर आया कि नहीं आया था, एफ बराबर आना चाहिए आपका आंसर 14.4 न्यूटन। अगर आपका आंसर 14.4 न्यूटन आया तो आप सही दिशा में हैं। उसके बाद अगला पर्सन लिखिए, अगला पर्सन लिखिए, हम देखते हैं कि आप इस पर्सन को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हाँ, आज के बाद अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो और फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तो 10^-2 से गुना कर दीजिए, या 100 से भाग कर दीजिए, या 10^-2 से गुना कर दीजिए, एक ही मतलब होता है। आइए जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, कहीं लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, आपको इसी मीटर में बदलना है, तो क्या करिए, आज के बाद 30×10^-2 मीटर, यानी 10^-2 मीटर से गुना करनी होगी। 10^-1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप 10^-2 से गुना करते हैं। हमने कहा कहीं लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, आपको इसे मीटर में बदलना है, तो 100×10^-2 मीटर आप ऐसे कर देंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100×10^2×10^-2, ये आपका जाएगा 10^0 मीटर, समझे। तो 100 सेंटीमीटर में 10^0 का मतलब होता है एक मीटर, आपको पता है 100 सेंटीमीटर एक मीटर होता है, देखिए वही आ गया, तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, वही आ गया, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप आज के बाद क्या करने वाले हैं मेरे संग, ये करने वाले हैं, अगर आप आज के बाद आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10^-2 से गुणा करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट नंबर 2, यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10^-2 से गुणा करते हैं, यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10^-2 से गुणा करते हैं, नोट में लिखिए इस बात को। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल पर, नोट्स का जितना रिवीजन करेंगे इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो पर्सन कराऊंगा न्यूमेरिकल में सारे पेपर में आए हुए हैं, और जो आपके पास बुक होगी उसके सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, मैं सारे न्यूमेरिकल इसके साथ ही इंक्लूड कर देता हूं, समझे, आसपास की जितनी भी बुक आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का मुझे नहीं पता कौन सा पर्सन होगा, चौथा पाँचवा नंबर का जो पर्सन होगा, पाँचवा पर्सन देखते हैं क्या है। आइए जानते हैं, ये दो गोले हैं, धातु के दो गोले, इन पर आवेश है, ये देखिए धातु के दो गोले, एक पर आवेश है, Q1 की वैल्यू दी गई है, Q1 की वैल्यू एक पर आवेश है 2×10^2
दो गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश, दो गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश। जो धातु का दूसरा गोला है उस पर आवेश है तीन गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश, तीन गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश। Q2 बराबर Q1 बराबर दो गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश, Q2 बराबर तीन गुना दस की घात माइनस के साथ कूलम का आवेश। समझे, इन दोनों के मध्य दूरी भी बताई गई है, इन दोनों धातु के गोलों के मध्य दूरी भी बताई गई है। वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 30 सेंटीमीटर। हमने कहा जहाँ भी 30 सेंटीमीटर हो उसे मीटर में बदलना ही होगा। आप इसे मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, आप इसे खुद करिएगा। Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल को हल करिएगा, सूत्र आपका यही प्रयोग करना है, सूत्र आपको यही प्रयोग करना है। F बराबर Q 9 गुना दस की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। F बराबर 9 गुना दस की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, आंसर मैच करिएगा, आंसर पांचवें न्यूमेरिकल का आंसर मैच करिएगा। F बराबर आपका आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 18 गुना दस की घात माइनस के 2 न्यूटन। अगर आपका आंसर 18 गुना दस की घात माइनस के 2 न्यूटन आता है तब आप सही दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। इस बार मामला बदल गया, इस बार स्थिति बदल गई, ये थोड़ा क्रिटिकल न्यूमेरिकल होगा। जो बच्चा इसका आंसर सही देगा, समझिए वो अच्छे अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फिजिक्स अच्छी चल रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट पर्सन नंबर आज का 6, पर्सन नंबर 6। आप अपनी ओर से आसपास पड़ोसी के यहाँ से बुक्स लीजिए, अपने दोस्त होंगे उनके यहाँ से बुक्स लीजिए, बुक के अंदर से कूलम के नियम से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं पेपर में आए हुए हैं सब कर डालिए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है आपको। कूलम के नियम से संबंधित, चाहे छोट पर्सन हो चाहे आपका बड़ा पर्सन हो, कूलम के नियम से संबंधित इसे कहते हैं पढ़ना, स्पेशल पढ़ना इसे कहते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, समझे। उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर छः। ये रहा धातु का दो गोला, पहले गोले पर आवेश है आपका 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, जो आप माइक्रोकूलम। Q2 बराबर दूसरे गोले पर आपका आवेश है माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम। ये यहाँ आपका आवेश था माइनस के 0.4, यहाँ भी माइनस आवेश, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जब चार्ज सेम हो तो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। रिपेल का मतलब इनके बीच में जो बल लगने वाला है वो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। ये दोनों के दोनों आवेश, जिस पर एक एक बॉडी है उस पर है माइनस के 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश, दूसरी बॉडी पर है 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश। दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करने वाले हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती है उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। आपको बताया गया है कि कितने न्यूटन का बल कार्य करता है, इस सवाल में बताया गया है कि कितने न्यूटन का बल कार्य करता है। ये बताए हैं 0.2 न्यूटन का बल कार्य करता है, 0.2 न्यूटन का बल। इनके मध्य 0.2 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ये धातु के दो गोले हैं, इन पर आवेश बताया गया है, ये 0.2 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। जैसे प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो आपको पता करना है इनकी मध्य दूरी कितनी रही होगी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, एफ बराबर, ये आपको एफ का मान दिया गया है, दो न्यूटन का मान दिया, एफ 0.2 न्यूटन एफ का मान, एफ बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा, एफ की वैल्यू आप जानते हैं 2 न्यूटन होगी, 9 गुना 10 की घात 9 कॉन्स्टेंट है, Q1 की वैल्यू 0.44 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना ही होगा। उसके बाद Q2 की वैल्यू 0.8 माइक्रोकूलम है, इसे भी कूलम में बदलना ही होगा। उसके बाद R की वैल्यू आपने निकालनी है, सेम लिखेंगे और आप आंसर बताएंगे, आंसर आपका आना चाहिए। हम देखिए कितना आंसर निकाल रहे हैं, आपका आंसर आना चाहिए R बराबर 0.12 मीटर, 0.12 मीटर आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आप फोटो आप जो आप हल करेंगे, हल करने के पश्चात आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अगर आपका आंसर सही आया तो सही है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल कल कराएंगे। ये न्यूमेरिकल हम कल कराएंगे, और भी न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, आइए जानते हैं और भी न्यूमेरिकल हमारे पास हैं। उसके बाद हम आपको इसे संबंधित पेपर में आए जो शॉर्ट पर्सन है, अब तक हमने जितना भी पढ़ाया पेपर में आए जो शॉर्ट पर्सन है, वे शॉर्ट पर्सन आपको भेजे जाएंगे या लिखवाए जाएंगे, आप उन्हें करिएगा, है ना, आपको व्हाट्सअप किए जाएंगे वे पर्सन आपको व्हाट्सअप किए जाएंगे, वरना हम यही लिखवा देंगे। प्रश्न नंबर सात आज का प्रश्न नंबर 7, आपका प्रश्न नंबर 7, जितने न्यूमेरिकल करेंगे इतनी ही आपके हाथ में क्लैरिटी आएगी।
प्रश्न नंबर सात लिखिए। प्रश्न नंबर सात में आपको क्या कहा गया है, आपको क्यू वन की वैल्यू दी गई है। क्यू वन की वैल्यू ये रही आपके सामने, क्यू वन की वैल्यू रही 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। क्यू टू की वैल्यू रही आपके पास 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। ये सेम क्यू वन क्यू टू की वैल्यू आपको पता, दूरी दी गई, दोनों आवेशों के मध्य दूरी दी गई है आपको, ये दी गई है 0.25 मीटर। इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, आइए इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपका मान देखते हैं कितना आता है, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं चेक करूँगा। क्वेश्चन नंबर आठ ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आठ। ये धातु के दो गोले, एक गोला दो गोला, पहले गोले पर धातु के जो आवेश है वो है 6.5 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम। जो क्यू टू है ये आपका क्यू वन की वैल्यू, ये रही आपकी क्यू टू की वैल्यू। जो दूसरे गोले पर आवेश है वो भी सेम है, 6.5 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम का आवेश। चलिए उसके बाद इनके मध्य जो दूरी दी गई है 0.50 मीटर, 0.50 मीटर इनके मध्य दूरी दी गई है, 0.50 मीटर। आप इसमें f का मान निकाल लेंगे, जब इसमें आप f का मान निकाल लेंगे, f का मान आएगा आपका, हाँ इनके मध्य एक प्रविद्युत अंक के यानी स्मॉल k, ये समस्या खड़ी कर देगा आपके लिए। स्मॉल k का जो मान होगा वो होगा 80, इनके बीच का जो प्रविद्युत अंक होगा वो 80 होगा। यानी आप पहले f का मान निकालिएगा इस सूत्र के द्वारा, 9 गुना 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो इससे आंसर आएगा ना एफ बराबर 9 गुना 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर से जो आंसर आएगा उसे 80 से भाग दीजिएगा, फिर आपका जो आंसर आएगा उसे मैच करिएगा। मैं आंसर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आंसर आपका आना चाहिए 19.125 गुना 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। ये आपका आंसर आना चाहिए, 19.125 गुना 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन आपका आंसर आया तो सही है, वरना आपने गलत किया है कहीं, वरना हम कल को बोर्ड पे कराएंगे। ये रहे आपके 8 न्यूमेरिकल, कितने न्यूमेरिकल, 8 न्यूमेरिकल, 9 न्यूमेरिकल। एक एक न्यूमेरिकल को बहुत, एक एक कैलकुलेशन को बहुत साफ नेक्स्ट तरीके से कीजिए, 2 घंटे लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री भी चलाएंगे, सब सिलेबस खत्म होगा, आपको सिलेबस की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 2 से 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करा सकते हैं, वो भी सारा सिलेबस, समझे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छा, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसे अच्छे तरीके से कवर किया जाए, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, समझे। 4 महीने के अंदर हम सिलेबस पूरा करें, 4 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट को गारंटी के साथ, वो भी एक से डेढ़ घंटा ही पढ़ाए हैं तो हम तो यहाँ, ये तो ऑनलाइन सोर्स है, इसमें 2 घंटे पढ़ा सकते हैं तो तब भी सिलेबस कवर हो जाएगा, 2 महीने में ही कवर हो जाएगा अगर हम चाहें तो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं डालना चाहते। समय बहुत होने के साथ साथ आप बेहतर होगा, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, आदत डालिए अच्छे लोगों को सुनने की, समझे। आठ न्यूमेरिकल हुए आपके। क्वेश्चन नंबर नौ ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नौ में आइए। क्वेश्चन नंबर नौ में देखेंगे आप तो पाएंगे, हाँ एक तरफ रहा आपका इलेक्ट्रॉन, एक तरफ रहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है आपको 0.08 फर्मी। फर्मी मीटर को मीटर में ना आप इसे ऐसे लिख दीजिए, गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.8 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर। चलिए लिख दिया होगा यहाँ तक। आपको क्या करना है, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। आपका आंसर पता है क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 360 न्यूटन। इंतजार रहेगा आपके न्यूमेरिकल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अब 10, आज का ये लास्ट प्रश्न भी कह सकते हैं, आज का लास्ट प्रश्न भी कह सकते हैं। एक सवाल के अंदर ही दो सवाल, ध्यान सुनिए। ये दो बिंदु द्रव्यमान, ये रहा M1, ये रहा M2। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताए थे, 11th क्लास का भी फॉर्मूला है। M1 का मान दिया गया है यहाँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। आप इसे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इधर भी यही दिया गया है 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, बताएंगे आपको किस तरह करना है। इनके बीच की दूरी कितनी है आर नहीं मालूम कितनी है। चलिए उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
बीच की दूरी कितनी है आर, नहीं बताऊंगा। उसके बाद इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 पर आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का आवेश। उसके बाद 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का आवेश। चलिए तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी हमको नहीं पता, मालूम पता भी नहीं करनी। आपको पता करना है यहाँ जो बल लगने वाला है दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता है आप उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, एफजी कहते हैं। यहाँ जो बल लगता है उसे कूलम बल कहते हैं। आपको क्या करना है, कूलम बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम बल यानी कूलम बल, इन दोनों का अनुपात याद करना है। अनुपात एक काम करिए, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला एफ बराबर जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। और एफ बराबर ये तो रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा कूलम फोर्स, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आपको आर की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपका आंसर आएगा जो आपका आंसर आना चाहिए एफ जी अपॉन एफ सी का, तो मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ आपका आंसर क्या आना चाहिए अनुपात। ये आपका आंसर आना चाहिए 10⁻⁴३। अगर ऐसा आपका आंसर आया 10⁻³३ तो याद रखिए आप सही स्थिति में जा रहे हैं, यानी एक दो इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले कूलम बल और गुरुत्व बल की तुलना कीजिए। तो तुलना करने का यही मतलब है, तुलना करने का आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अनुपात याद करना, आप इसकी गुणा इधर कीजिए एफ जी बराबर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ सी गुणा 10⁻⁴³, ऐसे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कूलम बल का, गुरुत्वाकर्षण बल कूलम बल का 10⁻³³ गुणा होता है जब आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। ये नहीं आपके सामने 10 न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं हो सकते, इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो सफिशेंट होगा। फिजिक्स पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैं आपका फिजिक्स इतना बेस्ट कर दूंगा, शायद ही कभी किसी ने इतना बेस्ट फिजिक्स पढ़ा होगा या पढ़ाएगा। मैं नहीं मानता कि इतने आसान तरीके से कोई समझाएगा, मैं न्यूमेरिकल भी आपको साथ साथ समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करिए, कॉल या व्हाट्सअप या वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप। आज के एपिसोड में मैं इतना ही रखता हूँ, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम सब न्यूमेरिकल यानी सब न्यूमेरिकल जितने फैक्ट पेपर में आते हैं या आए हुए हैं सब पर चर्चा करने वाले हैं, छोटे न्यूमेरिकल हो बड़े न्यूमेरिकल हो आपको सब पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।